काफी आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ रिंग फ्रेम मशीन। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है रिंग फ्रेम के जो है डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन को ऑब्जेक्ट को जो है समझेंगे कि हमारा रिंग फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट हमारे जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शन क्या है। तो आइए इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ रिंग फ्रेम मशीन, रिंग फ्रेम इस आप जो है फिगर में रिंग फ्रेम मशीन देख रहे हैं। रिंग फ्रेम हमारी मशीन का स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्रिल सेक्शन है। क्रिल सेक्शन पे हम रोविंग बाबिन को होल्ड करते हैं। रोविंग बाबिन हमारी अनवाइंड होकर के रोविंग हमारी जो है आगे ड्राफ्टिंग यूनिट को हमारी फॉरवर्ड होती है। ये हमारी क्रिल है। क्रिल पे बाबिन होल्डर पे हमारी रोविंग बाबिन बाबिन हमारी होल्ड है। अनवाइंड होकर के रोविंग हमारी अनवाइंड होते हुए इस ड्राफ्टिंग यूनिट, ये हमारी जो है ड्राफ्टिंग यूनिट है, ड्राफ्टिंग यूनिट में पास होती है और ड्राफ्टिंग यूनिट से पास होते हुए ड्राफ्ट होकर के जो है हमारी रोबिंग रोबिंग की ड्राफ्टिंग होकर के हमारे फाइबर जो है ड्राफ्टेड मटेरियल आगे फॉरवर्ड होता और हम उसकी ट्विस्टिंग करते हैं। इस रिंग रेल हमारी जो है जिसपे हमारा बॉबिन की वाइंडिंग होती है, स्पिंडल हमारा फिक्स होता है और स्पिंडल मूव करता है, उस पर हमारी बॉबिन होती है और बॉबिन पे स्पिंडल बॉबिन पे हमारा जो है यार्न जो है वाइंड अप होता जाता है। तो ये हमारी रिंग रेल है जो अप डाउन मूवमेंट करके और सुटेबल एक पैकेज जो है कॉप पैकेज जो है फॉर्म करती है। सेपरेटर, आप स्पिंडल टू स्पिंडल सेपरेटर, एक स्पिंडल को दूसरे स्पिंडल से सेपरेट करने के लिए, जिससे कि हमारे यार्न एक दूसरे में टच ना हो और ब्रेकेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है सेपरेटर प्लेट, एक जो है एल्युमिनियम की फाइबर की एक प्लेट लगी होती है जो बाबिन टू बाबिन स्पिंडल टू स्पिंडल जो है यार्न को जो है सेपरेट करती है। आप ये जो पोर्शन है आपका ऑफ फिंड यानी जो है रिंग फ्रेम का दूसरा दूसरे साइड का सेक्शन है और ये आपका रिंग फ्रेम का आप फ्रंट सेक्शन देख रहे हैं जहां पे हमारे कंट्रोल पैनल लगे हुए हैं, गियर एंड गियर बॉक्स लगे हुए हैं। ये हमारी यहाँ पे जो है स्पिंडल पे यहाँ पे हमारी जहाँ पे वाइंडिंग परफॉर्म होती है यार्न को गाइड करने के लिए हमारी एबीसी रिंग लगी होती है और ये रिंग कॉप्स, ये जो आप बॉबिन देख रहे हैं जिसपे हमारा यार्न वाइंड अप हो रहा है, ये इसको हम बॉबिन कॉप बोलते हैं। यानी पैकेज को जो यार्न जिसपे वाइंड अप हो रहा है, रिंग फ्रेम यार्न जिसपे वाइंड अप हो रहा है उसको हम बॉबिन रिंग कॉप या बॉबिन कॉप बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इस मशीन के स्ट्रक्चर से रिंग फ्रेम को आप समझ रहे होंगे कि रिंग फ्रेम हमारी किस तरीके की है और यहाँ पे ऑपरेशन कौन कौन सा फॉर्म हो रहा है। मेन फंक्शन क्या है इस रिंग फ्रेम का? मेन फंक्शन ये है कि रोविंग बॉबिन से फाइबर को, जो फाइबर हमारा रोविंग बॉबिन के रूप में है, उस रोविंग बॉबिन से यार्न के रूप में, ट्विस्टेड यार्न के रूप में कन्वर्ट कर देना, इस मशीन का मेन फंक्शन है। और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये हमारे जो है एसेसरीज मशीन में क्रील है, ड्राफ्टिंग यूनिट है, ट्विस्टिंग यूनिट है, वाइंडिंग यूनिट है, ये हमारे जो है मशीन को कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ रिंग फ्रेम मशीन। रिंग फ्रेम मशीन का हमारा क्या फंक्शन है? टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड काउंट ऑफ यार्न, यानी जो हमें काउंट, जिस काउंट का यार्न रिक्वायर्ड है उस काउंट का यार्न इस रिंग फ्रेम से बनाना इस रिंग फ्रेम का हमारा मेन पर्पज है, मेन मोटो है, रिक्वायर्ड काउंट ऑफ यार्न फ्रॉम सप्लाइड रोविंग बाई ड्राफ्टिंग। टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड काउंट ऑफ यार्न फ्रॉम सप्लाइड रोविंग बाई ड्राफ्टिंग, जो हमारी बॉबिन रोविंग बॉबिन है उस रोविंग बॉबिन से हमें रिक्वायर्ड काउंट, यानी जो हमें काउंट रिक्वायर्ड है, जो हमारा ऑर्डर है काउंट का, उस काउंट का धागा प्रोड्यूस करना इस स्ट्रिंग फ्रेम का हमारा मेन पर्पज होता है। हम ड्राफ्टिंग देते हैं, यानी ड्राफ्टिंग में क्या होता है, हमारे बैक रोलर है, मिडल रोलर है, फ्रंट रोलर है, बैक रोलर की स्पीड से मिडिल रोलर की स्पीड ज्यादा, मिडिल से जो है फ्रंट रोलर की स्पीड ज्यादा, इस तरीके से हमारी रोबिंग जो है ड्राफ्टिंग होती जाती है, खींचती जाती है और मेटल का जो फाइननेस है वो रिड्यूस होता जाता है, यानी रिड्यूस वेट पर यूनिट लेंथ को हम जो है ड्राफ्टिंग को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि रिड्यूस द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल। इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से हम रोबिंग को में ड्राफ्ट करके और रिक्वायर्ड काउंट, जो हमें काउंट रिक्वायर्ड है, जो हमारा काउंट 20 काउंट है, 40 काउंट है, 60 काउंट है, जो काउंट हमारा रिक्वायर्ड है उस काउंट का हम जो है ड्राफ्ट मशीन में पुट करके और उस काउंट को हम प्रोड्यूस करते हैं रिंग फ्रेम के मशीन से।
टू इंसर्ट सफिशियंट अमाउंट ऑफ ट्विस्ट। इस जो है रोविंग से बाविन जो है ड्राफ्टिंग हो करके आगे जैसे ही डिलीवरी में बढ़ती है हम ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं। जो हमारा स्पिंडल मूव कर रहा है, स्पिंडल पे हमारी यार्न की वाइंडिंग होती जा रही है और वाइंडिंग से जब स्पिंडल मूव करता है तो स्पिंडल की एक रोटेशन में उस धागे में एक टर्न, एक ट्विस्ट जो है इंसर्ट होता है। तो इस तरीके से डिलीवरी जो डिलीवर्ड स्लाइबर डिलीवर्ड डिलीवर्ड फाइबर है, नॉट स्लाइबर, डिलीवर्ड जो फाइबर है उस फाइबर में कंटिन्यूअस ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती जाती है। ये फंक्शन परफॉर्म होता है फ्रंट रोलर और स्पिंडल के बीच में। यहाँ पे जो है आप जो है आगे जो है आपको फिगर, यहाँ आप ये फ्रंट रोलर, ये हमारा जो ड्राफ्टिंग यूनिट का फ्रंट रोलर है, फ्रंट रोलर और इस स्पिंडल के बीच में जो है ट्विस्ट जो है इंसर्ट होता है। और ट्विस्ट किसके माध्यम से इंसर्ट होता है, ये इस स्पिंडल के माध्यम से। स्पिंडल मूव करता है और इस धागे में रिंग ट्रेवलर लगा है, ट्रेवलर गाइड कर रहा है और उसको जो है ट्रेवलर एक तरीके से फाइबर को यार्न को होल्ड किया हुआ है और इसमें एक ट्विस्ट जो है इंसर्ट होती है स्पिंडल की एक रोटेशन में। टू इंसर्ट सफिशियंट अमाउंट ऑफ ट्विस्ट टू द यार्न टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यार्न में जब ट्विस्ट इंसर्ट हो जाती है तो यार्न में हमारा जो है एक सफिशियंट जो है स्ट्रेंथ यार्न को मिल जाता है। टू वाइंड द यार्न ऑन टू द पैकेज, यानी हम यहाँ पे जो कॉप रिंग बॉबिन कॉप आपने देखा उस कॉप पे जो है सुटेबल पैकेज पे जो है, यानी ये हमारी रिंग बॉबिन कॉप है, इस कॉप पे जो है वाइंड अप करना, यानी ये ड्राफ्टिंग हुई, यानी हमारी पीछे जो रोविंग बॉबिन है रोविंग बॉबिन से अनवाइंड होकर मेटेरियल इस ड्राफ्टिंग यूनिट में आया। ड्राफ्टिंग यूनिट के बाद ड्राफ्ट होकर के जो फाइबर जब जैसे ही फॉरवर्ड होता है डिलीवरी रोलर से डिलीवर होता है वैसे ही उसमें ट्विस्ट इंसर्ट होती है और ये ट्विस्टेड यार्न अब ये हमारा जो है रोविंग से किस में कन्वर्ट हो गया, यार्न में। अब ये ट्विस्टेड यार्न यहाँ पे गाइड है, गाइड्स के माध्यम से इस बॉबिन पे जो है वाइंड अप होता जाता है। तो ये हमारी वाइंडिंग की का प्रोसेस है। टू वाइंड द यार्न ऑन टू द बॉबिन, और इस यार्न को हम बॉबिन पे वाइंड अप करते हैं। टू बिल्ड द यार्न पैकेज प्रॉपरली, और ये हमारा जो पैकेज है यानी रिंग कॉप ये हमारा रिंग कॉप है, इस पैकेज में इस फॉर्म में इस सुटेबल पैकेज में जो है सुटेबल फॉर्म में हम जो है वाइंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जब हम वाइंडिंग में डिटेल में पढ़ेंगे तो पैकेज का शेप कैसे फॉर्म होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टू बिल्ड द यार्न पैकेज प्रॉपरली, टू बिल्ड द यार्न पैकेज प्रॉपरली, हम यार्न पैकेज को प्रॉपरली जो है वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे जो है आप जो यार्न देख रहे हैं इसी यार्न की फॉर्मेशन, ये जो आप यार्न पैकेज देख रहे हैं इस रिंग फ्रेम से जो है इसी धागे को यार्न को हम प्रोड्यूस करते हैं। रिंग फ्रेम का जो है एक पैसेज ऑफ मटेरियल इस पिक्चर के माध्यम से शो हो रहा है कि कैसे कैसे हमारा प्रोसेस जो है एक एक स्टेप कहाँ पे ड्राफ्टिंग होती है, कहाँ पे जो है मटेरियल ड्राफ्टिंग होकर के जो है डिलीवर हो रहा है, डिलीवरी के बाद ट्विस्टिंग हो रही है, ट्विस्टिंग के बाद ये हमारा जो है गाइड है जिसको लैपेट गाइड भी कहते हैं, लैपेट गाइड के माध्यम से यार्न हमारा जो है रिंग पे पहुंचता है, रिंग पे हमारा ट्रेवलर लगा हुआ है, ट्रेवलर से पास होते हुए और मेटेरियल इस पैकेज पे जो है वाइंड अप होता जाता है। वाइंडिंग की का एक्शन कैसे होता है, ये हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल पे हमारी बॉबिन फिक्स है और स्पिंडल रोटेट करता है, रोटेट करता है तो मेटल को अपने ऊपर जो है रैप करता जाता है और कंटिन्यूस जो हमारी डिलीवर हो रहा है फाइबर ट्विस्ट होते हुए इस पैकेज पे जो है वाइंड अप यानी रैपिंग होती जाती है। और ये हमारी रिंग है, रिंग रेल है, रिंग रेल का मूवमेंट अप डाउन मूवमेंट होता है और बॉटम से हमारी रिंग रेल जो है बॉटम से मूवमेंट शुरू अप डाउन मूवमेंट शुरू होता है और धीरे धीरे कंटिन्यूस ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और इस पैकेज को जो है पैकेज का शेप जो है फॉर्म होता जाता है, वाइंडिंग होती जाती है और पैकेज का शेप जो है फॉर्म होता है। यहाँ पे हम देखें ड्राफ्टिंग यूनिट है, यार्न गाइड, यहाँ पे जो है यार्न गाइड सेकेंड गाइड यानी ट्रेवलर जो है सेकेंड गाइड का काम करता है। फिर कॉप्स विथ यार्न, ये हमारा कॉप्स है, कॉप्स बॉबिन है यार्न के साथ में जो इस पे यार्न हमारा वाइंड अप है। यहाँ पे जो है सेकेंड जो है सेकेंड कंडक्टर लगा हुआ है, रिंग रेल, ये रिंग रेल हमारी जो है अप डाउन मूवमेंट कर रही है। स्पिंडल, स्पिंडल का जो है यहाँ पे वार्प वार्प होता है और वार्प के माध्यम से जो है स्पिंडल को जो है बेल्ट के माध्यम से ड्राइव मिलती है तो स्पिंडल हमारा कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है और इस स्पिंडल पे हमारा बॉबिन हमारी फिक्स है, रिंग फ्रेम बॉबिन और बॉबिन पे हमारी वाइंडिंग का प्रोसेस कंटिन्यूस परफॉर्म होता जा रहा है।
तो ये हमारी एबीसी रिंग है, जिसको हम एबीसी रिंग या यान गाइड कह रहे हैं। ये हमारी एबीसी रिंग है जो बालून को दो भागों, ये आपका बालून है, ये आपका बालून जो फॉर्म हो रहा है यान टेंशन, बाहर की तरफ जो खींचता है बालून, और यान पे जो है टेंशन, एक्सेस टेंशन जो है प्रोड्यूस होता है, जिससे ब्रेकेज के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए एबीसी जो है बालून को दो भागों में जो है पार्शली जो है बांट देती है, जिससे जो है इसका इफेक्ट, टेंशन का इफेक्ट जो है कम हो जाता है और ब्रेकेज का लेवल कम हो जाता है, यार्न ब्रेकेज कंट्रोल हो जाता है। डिटेल ऑफ रिंग फ्रेम मशीन, पिछले लेक्चर में आप इस फिगर को आपने देखा था। यहाँ पे जो है हम डिस्क्राइब कर दें कि हमारी क्रील है, रोबिंग से अनवाइंड होकर मटेरियल हमारे ड्राफ्टिंग यूनिट में पास हो रहा है। ये हमारी लैपेट गाइड है, लैपेट से हमारी एबीसी रिंग है जो आपने ऊपर अभी देखा। एबीसी रिंग से पास होते हुए हमारा यहाँ पे रिंग है, रिंग पे हमारे ट्रेवलर है, और ट्रेवलर से पास होते हुए मटेरियल हमारा वाइंडिंग पैकेज पे, यानी रोबिंग से हमारा मटेरियल अब किस में कन्वर्ट हो गया, यार्न में कन्वर्ट हो गया, और यार्न को हम इस पैकेज पे वाइंड अप कर लेते हैं, जिसको रिंग बॉबिन या रिंग कॉप्स हम कहते हैं। डिफरेंट जोन इन रिंग फ्रेम मशीन, रिंग फ्रेम मशीन में हमारे जो है कौन कौन से जोन है जहां पे जो है एक्शन परफॉर्म होता है, तो आइए देखते हैं। क्रीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल को रोबिंग बॉबिन को क्रील करते हैं, रिंग फ्रेम पे हम क्या करते हैं, क्रील करते हैं, क्रील करके और मेटल को अनवाइंड करके और फिर ड्राफ्टिंग यूनिट में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रीलिंग, क्रीलिंग में क्या एक्शन परफॉर्म होता है, रोबिंग इज फेड टू द रिंग फ्रेम फ्रॉम रोबिंग बॉबिन हेल्ड बाय द क्रील। रोबिंग इज फेड, रोबिंग को हम कहाँ पे फिट करते हैं, रिंग रिंग फ्रेम पे, फ्रॉम रोबिंग बॉबिन, रोबिंग बॉबिन के रूप में जो हम रिंग फ्रेम पे फिट करते हैं, कहाँ पे, क्रील क्रील में, और क्रील में हमारा होल्डर होता है, होल्डर में हम रोबिंग को होल्ड कर देते हैं। फॉर ऑल द स्पिंडल, ये हर एक स्पिंडल के लिए इस जो फिटिंग होगी, एक रोबिंग एक स्पिंडल के लिए, तो इस तरीके से हर एक स्पिंडल के लिए हमारी एक एक रोबिंग जो है रोबिंग पैकेज हमारा जो है क्रिल पे होल्ड होगा। फॉर ऑल द स्पिंडल रोबिंग बॉबिन आर क्रिल्ड ऑन द मशीन, प्रत्येक एक स्पिंडल के लिए रोबिंग बॉबिन जो हमारी इस क्रिल पे जो है क्रिल होगी। द रोबिंग इज गाइडेड एंड पास थ्रू ट्रम्पेट, अब हम जो है रोबिंग को अनवाइंड करके जो है गाइड रोलर से पास होते हुए और ट्रम्पेट से पास होते हुए ड्राफ्टिंग यूनिट में पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। द रोबिंग देन पासेस थ्रू द ड्राफ्टिंग रोलर, और इसके बाद जो है रोबिंग हमारी ड्राफ्टिंग रोलर से पास होती है। अब ड्राफ्टिंग रोलर का क्या एक्शन है, ड्राफ्टिंग रोलर जो है परफॉर्म करेगा, यहाँ पे जो है फिगर में आप देख रहे हैं कि हमारी रोबिंग बॉबिन है, ये रिंग फ्रेम मशीन है, रिंग फ्रेम पे ये हमारा रिंग फ्रेम के ऊपर जो हमारा क्रील लगी होती है, उस क्रील पे बॉबिन होल्डर होते हैं, और उस बॉबिन होल्डर में हम इस रोबिंग को होल्ड कर देते हैं, एक एक बॉबिन को हम होल्ड कर देते हैं। ड्राफ्टिंग, अब जो है मेटल क्रीलिंग के बाद हमारा मेटल कहाँ इंटर किया, रोबिंग कहाँ इंटर की, ड्राफ्टिंग यूनिट में इंटर की। ये आप जो है फिगर में ड्राफ्टिंग यूनिट देख रहे हैं, ये हमारे टॉप रोलर है, 1 2 3, ये हमारे जो टॉप रोलर लगे हुए हैं, ये हमारे जो है बॉटम रोलर है, टॉप रोलर के जो है बॉटम रोलर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर देता है, और उस बॉटम रोलर और टॉप रोलर के बीच से हमारी रोबिंग पास होती है, और रोबिंग जो है ड्राफ्टिंग होती जाती है, प्रेशर से जो है हमारा फ्रंट रोलर हाई स्पीड से मूव करेगा कंपेयर देन सेकेंड रोलर, मिडिल रोलर, और मिडिल रोलर हाई स्पीड से मूव करेगा कंपेयर देन बैक रोलर। इस तरीके से कंटिन्यूअस जो है रोबिंग में ड्राफ्टिंग होती है, और ड्राफ्टिंग होकर के मेटेरियल जो है फाइननेस हमारी इंप्रूव होती जाती है, और उसको हम डिलीवरी में ट्विस्ट कर लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग में क्या एक्शन होगा, टू ड्राफ्ट द रोबिंग टू रिड्यूस द वेट पर यूनिट लेंथ, यानी ड्राफ्टिंग का मेन पर्पज क्या है, टू ड्राफ्ट द रोबिंग, ड्राफ्ट रोबिंग को जो है ड्राफ्ट करता है, यानी ड्राफ्ट यानी खींचता है, और खींच करके क्या एक्शन क्या परफॉर्म होगा, टू रिड्यूस द रोबिंग, टू ड्राफ्ट द रोबिंग टू रिड्यूस वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ हमारा रिड्यूस होता जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर हमारी रोबिंग जो है 3.3 ग्राम की है, तो उसमें हम जो है 40 का ड्राफ्ट देंगे, तो 40 टाइम्स उसका वेट जो है कम हो जाएगा। द ड्राफ्ट जोन आगे जो है हम देख रहे हैं, द ड्राफ्टिंग जोन इन रिंग फ्रेम एटेनुएट्स द रोविंग टू डिजायर्ड फाइननेस बाय इंपार्टिंग रिक्वायर्ड ड्राफ्ट टू द रोविंग बाय टॉप आर्म प्रेशर एंड स्पीड वेरिएशन इन द बॉटम रोलर ऑफ द ड्राफ्टिंग जोन।
ड्राफ्टिंग जोन में जो है जो हमारा बॉटम रोलर है, बॉटम रोलर के ऊपर हमारा टॉप रोलर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और बॉटम रोलर की स्पीड फ्रंट रोलर की स्पीड अलग, मिडिल की अलग और बैक की अलग। फ्रंट रोलर की स्पीड ज्यादा है, मिडिल की उससे कम है और बैक रोलर की उससे कम है। तो मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस खींचता चला जाता है। यही ड्राफ्टिंग प्रोसेस है। और खींच करके जो हमें रिक्वायर्ड काउंट जो है, हमें जो रिक्वायर्ड होगा उस रिक्वायर्ड काउंट में हम मेटल को एटेन्यूएट करते हैं, खींचते हैं, और खींच करके हम जो है रिक्वायर्ड फाइननेस का हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी जो व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं ये रोबिंग जो है इंटर करती है कि इसमें ड्राफ्टिंग यूनिट में ए प्रेशर आर्म है। प्रेशर आर्म से हमने प्रेशर इंसर्ट कर दिया, पुट कर दिया टॉप रोलर पे, और ये मटेरियल जो है रोबिंग इंटर होकर के ड्राफ्टिंग होती है, और ड्राफ्टिंग होकर के हमारी जो है फाइबर जो है जब डिलीवर होता है यहाँ पे यार्न जो है स्पिंडल के माध्यम से उसमें ट्विस्ट इंसर्ट हो रहा है, और अब फाइबर जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, यार्न में, यानी ट्विस्टेड फाइबर। ट्विस्टेड फाइबर को हम क्या कहेंगे, यार्न कहेंगे। और यार्न में हमारा मटेरियल जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, यार्न में। अगर यार्न हमारा ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो है सक्शन लगा हुआ है, ब्रेक होकर के फाइबर इस सक्शन में चला जाता है जिसको हम न्यूमा फिल्म कहते हैं। और ये हमारा जो है बॉटम ड्राफ्टिंग रोलर है, ये हमारे टॉप ड्राफ्टिंग रोलर है। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग सेक्शन है। ट्विस्टिंग ड्राफ्टिंग के बाद हमारा मटेरियल इंटर करता है ट्विस्टिंग सेक्शन में, जहां पे हम मटेरियल को ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं, यानी ड्राफ्टिंग के बाद इस लैपेट गाइड से होते हुए मटेरियल स्पिंडल पे वाइंडिंग होने के लिए जो है फॉरवर्ड होता है, और इस बीच में जो है ट्विस्ट इंसर्ट होती है, यानी ये सेक्शन हमारा जो है ट्विस्टिंग सेक्शन है। ट्विस्टिंग सेक्शन है, वाइंडिंग वाइंडिंग यानी स्पिंडल पे हमारा वाइंडिंग हो रहा है, ये हमारा वाइंडिंग सेक्शन है। बिल्डिंग यानी बॉबिन का जो शेप आप यहाँ पे बॉटम में कॉनिकल और टॉप में कॉनिकल शेप जो देख रहे हैं, ये जो शेप फॉर्म हो रहा है इसको हम बिल्डिंग मोशन करते हैं। आइए देखते हैं ट्विस्टिंग। द ड्राफ्टेड स्टैंड ऑफ द मेटेरियल इज फाइनर देन रोव एंड ट्विस्ट इज इंसर्टेड टू स्ट्रेंथन द मेटेरियल दैट इज यार्न। यानी जो ड्राफ्टेड मेटेरियल है वो रोविंग से क्या है, फाइन है, और इस ड्राफ्टेड मेटेरियल में हम ट्विस्ट देते हैं, और ट्विस्ट देने के बाद जो मेटल उसको हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। वाइंडिंग वाइंडिंग ऑफ द यार्न ऑन द बॉबिन इज डन बाय रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द रिंग रेल। यानी ये हमारी रिंग रेल है जो इस बॉटम से स्टार्ट करती है और ग्रेजुअली जो है ऊपर बढ़ती है, नीचे आती है, और ग्रेजुअली जो है कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ उठती जाती है। तो इस एक्शन से रिंग रेल के अप डाउन मूवमेंट से जो है इस बॉबिन का सेफ फॉर्म होता है, और वाइंडिंग का प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस परफॉर्म होता जाता है। वाइंडिंग ऑफ द यार्न ऑन द बॉबिन इज डन बाय द रेजिंग एंड लोअरिंग द रिंग रेल। द ट्रेवर्स मूवमेंट ऑफ द रिंग रेल इज लेस देन दैट ऑफ द बॉबिन हाइट। यानी जो मैक्सिमम जो बॉबिन की हमारी हाइट है उस हाइट से इसका हमेशा जो है ट्रेवर्स यानी अप डाउन जो मूवमेंट होता है वो कम होता है। द रिंग रेल मस्ट देयर फोर बी रेज्ड बाई स्मॉलर अमाउंट ऑफ ईच लेयर ऑफ द क्वाइल। यानी बॉटम से हमारी रिंग रेल शुरू होती है और कुछ हाइट तक ऊपर जाती है, सम हाइट तक जो ऊपर जाएगी, उसके बाद जो है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। कंप्लीट जो है एक्शन जो है बॉटम से लेके टॉप तक नहीं होता है, यानी ग्रेजुअली जो है कुछ हाइट तक ऊपर जाएगी और ग्रेजुअली ऊपर की तरफ हमारी रिंग रेल ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और इस तरीके से एक वाइंडिंग का एक प्रोसेस परफॉर्म होता है। इस तरीके की हम जो वाइंडिंग करते हैं इसमें मेटल जब अनवाइंड हम करते हैं, यानी इस धागे को जब अनवाइंड करेंगे तो बहुत आसानी से इस पैकेज से अनवाइंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है। द रिंग रेल मस्ट देयर फोर बी रेज्ड बाई स्मॉलर अमाउंट आफ्टर ईच लेयर ऑफ द क्वाइल। बिल्डिंग बिल्डिंग यानी ये जो शेप जो फॉर्म हो रहा है, यानी जो रिंग एक रिंग कॉप है, बॉबिन कॉप है, इसका जो शेप फॉर्म हो रहा है इसको हम बिल्डिंग मोशन कहेंगे। बिल्डिंग टू टेक कोनिकल आर टेपर शेप ऑफ द रिंग बॉबिन। टू टेक कह रहे कि जो ये शेप जो फॉर्म हो रहा है कोनिकल टेपर शेप जो फॉर्म हो रहा है इसको हम बिल्डिंग मोशन। न्यूमाफिल हम यहाँ पे न्यूमाफिल की बात कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया कि ड्राफ्टिंग के बाद जब हमारा मेटेरियल कभी भी यार्न ब्रेक होता है, किसी कारण से यार्न हमारा ब्रेक होता है, तो फाइबर जो है जो डिलीवरी में फाइबर हो रहे हैं इस सक्शन में जो है जाना शुरू हो जाते हैं। अगर सक्शन नहीं खींचेगा तो ये टॉप रोलर या बॉटम रोलर में इसकी लैपिंग होगी, जिससे जो हमारा ब्रेकेज जो है मशीन का टीयर बियर
बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम न्यूवाफिल यानी सक्शन में जो का एक सेंट्रलाइज सेक्शन होता है, जो सेंट्रलाइज सेक्शन के हर एक एंड ब्रेक के फाइबर को अपने अंदर खींच करके और फाइबर कलेक्ट करता है, उसको हम न्यूवाफिल कहते हैं। न्यूवाफिल व्हेन एन एंड ब्रेक द फाइबर स्टैंड कमिंग आउट फ्रॉम फ्रंट रोलर आर कलेक्टेड थ्रू सेक्शन सिस्टम फिक्स्ड जस्ट बिलो द फ्रंट रोलर विथ सुटेबल होल फॉर इफेक्टिव इफेक्टिंग सक्शन। कह रहे कि यहाँ पे जो है एक फाइन होल होता है और ये सक्शन से कनेक्ट होता है जस्ट बॉटम रोलर के जो है बिलो यानी नीचे, और जैसे ही फाइबर कोई यार्न यार्न हमारा ट्विस्टेड यार्न ब्रेक होता है, फाइबर इस सक्शन में जो है सक्शन जो है खींच लेता है फाइबर को, और ब्रेकेज फाइबर यानी हमारे जो है ओपन फाइबर इस सक्शन में इंटर करते जाते हैं, और जिससे लैपिंग को हम कंट्रोल करते हैं। इस जो सक्शन में जो फाइबर जाते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूमाफिल। रिंग एंड ट्रेवलर, यहाँ पे जो है आप ये जो राउंड पोर्शन देख रहे हैं ये रिंग है, और इस रिंग में जो आप ये एक सी शेप जो है वायर देख रहे हैं इसको हम ट्रेवलर कहते हैं। इस ट्रेवलर से जब डिलीवरी से हमारा यार्न जो है पास होकर के इस ट्रेवलर से पास होते हुए फिर ये आप स्पिंडल है, स्पिंडल पे बाबिन है, बाबिन पे वाइंड अप होता जाता है। तो हमारी जो है रिंग है, ये रिंग है और ये हमारा जो है ट्रेवलर है। रिंग पे हमारा क्या है, ट्रेवलर है। तो रिंग रिंग का क्या पर्पज होता है, रिंग का क्या फंक्शन होता है, ट्रेवलर को एक राउंड गाइड जो है सर्कुलर मोशन जो है सर्कुलर मोशन देना। तो रिंग एंड ट्रेवलर, रिंग गाइड द सर्कुलर रन ऑफ द ट्रेवलर, यानी रिंग हमारी क्या करती है सर्कुलर रन ऑफ द सर्कुलर मोशन को जो है गाइड करती है, ट्रेवलर के सर्कुलर मोशन को जो है हेल्प करती है, गाइड करती है। रिंग पे आसानी से हमारा ट्रेवलर जो है सर्कुलर मोशन करता रहता है। द रिंग गाइड द सर्कुलर रन ऑफ द ट्रेवलर। द ड्राफ्टेड स्टैंड ऑफ फाइबर एज दे आर डिलीवर्ड बाई द फ्रंट रोलर आर गिवन ट्विस्ट टू प्रोड्यूस यार्न। द ड्राफ्टेड स्टैंड ऑफ द फाइबर, जो हमारी ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग रोलर में फाइबर की ड्राफ्टिंग, रोबिंग की ड्राफ्टिंग हो रही है, ड्राफ्टिंग के बाद डिलीवरी फ्रंट रोलर से जब जैसे ही ड्राफ्टेड मटेरियल फाइबर हमारे निकलते हैं, वैसे द ड्राफ्टेड स्टैंड ऑफ द फाइबर एज दे आर डिलीवर्ड बाय द फ्रंट रोलर आर गिवन ट्विस्ट टू प्रोड्यूस यार्न। उसमें जो है ट्विस्ट जो है स्पिंडल जो राउंड दे रहा है उसको जो है ट्रेवलर और रिंग हमारी हेल्प करती हैं, उसको ट्विस्ट को इंसर्ट करने में, इस यार्न में ट्विस्ट इंसर्ट करने में हेल्प करती हैं। द रिंग एंड ट्रेवलर इनेबल टू वाइंड द यार्न ऑन टू द बॉबिन एंड मेंटेन वाइंडिंग टेंशन ऑफ द यार्न। और रिंग और ट्रेवलर जो है इस स्पिंडल पे वाइंडिंग को हेल्प करते हैं और वाइंडिंग टेंशन को जो है मेंटेन करते हैं। इट एक्ट एज सेकेंड गाइड ऑफ द यार्न, और जो ट्रेवलर है वो ट्रेवलर जो है सेकेंड गाइड का जो है लैपेट के बाद, एबीसी रिंग के बाद जो है लैपेट के बाद जो है ट्रेवलर सेकेंड गाइड का भी काम करता है यार्न के लिए। इट एक्ट एज ए सेकेंड गाइड ऑफ द यार्न ऑन द वे टू बी वाउंड ऑन द बॉबिन जो है, और इस वाइंडिंग का जो प्रोसेस हो रहा है उस वाइंडिंग के प्रोसेस के लिए जो ट्रेवलर और रिंग हमारा जो है एक पार्टिकुलर जो है एक गाइड का काम करते हैं, एक वे का काम करते हैं। डिफरेंट जो इसमें जो है ये जब हमारा मटेरियल वाइंडिंग हो जाता है, वाइंडिंग परफॉर्म होते होते जब काफ हमारी जो है कंप्लीट हो जाती है, बॉबिन पे जो है हमारा वाइंडिंग का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, बॉबिन हमारी कंप्लीटली भर जाती है, जो आप यहाँ पे काफ बॉबिन देख रहे हैं कंप्लीटली भर गई। अब इसके बाद इस पे वाइंडिंग करेंगे तो हमारा जो है यार्न जो है रिंग से टच होगा और फिर डैमेज होगा या कट्स मार्क आएंगे, आयल मार्क आएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए जब हम बॉबिन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम उसकी बॉबिन को जो है हम निकाल लेते हैं, कंप्लीट भरी हुई बॉबिन को हम बाहर निकालते हैं और एम्प्टी बॉबिन हम पुट करके और फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो डफिंग का प्रोसेस क्या है, टू रिप्लेस द एम्प्टी बॉबिन, टू रिप्लेस विथ एम्प्टी बॉबिन, यानी हम भरी हुई बॉबिन को बाहर लेते हैं और एम्प्टी बॉबिन को पुट करते हैं स्पिंडल में। स्पिंडल में जो है एम्प्टी बॉबिन को पुनः जो है पुट करने के प्रोसेस को हम डफिंग कहते हैं। टू रिप्लेस विथ एम्प्टी बॉबिन व्हेन द रिंग बॉबिन बिकम फुल, जब रिंग बॉबिन हमारी भर जाती है तो एम्प्टी बॉबिन से उसको हम रिप्लेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम डफिंग कह रहे हैं। जैसे कि इस रिंग फ्रेम में आप देख रहे हैं
कि हमारी बाबिन जो है कंप्लीट हो गई है और भरी हुई बाबिन निकाली जा रही है और एम्प्टी बाबिन उसमें लगाई जा रही है। इस सिग्नल लैंप मशीन पे हमारे जो है डिफरेंट कलर के जो है लैंप्स जो है लगे होते हैं, जो एक इंडिकेटर का काम करते हैं। मशीन हमारे किसी कारण से अगर बंद है तो वो इंडिकेटर से हम देख करके समझ जाते हैं कि हमारी मशीन किस रीजन से, किस कारण से हमारी मशीन बंद है। तो ये इंडिकेटर हमें फॉल्ट को जो है फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, और रीजन जो है जो किसी भी रीजन से हमारी मशीन बंद है तो उसको इंडिकेट करते हैं, जिससे हम मशीन को तुरंत जो है फाइंड आउट कर लेते हैं रीजन क्या है। सिग्नल लैंप आर प्रोवाइडेड ऑन द मशीन टू इंडिकेट द रीजन फॉर स्टॉपेज ऑफ द मशीन। अंडरस्टैंड ईच सिग्नल लैंप एंड देयर पर्पज इन द मशीन। कह रहे कि हमें इस मशीन में अगर कोई रीजन है, फॉल्ट है, जिसके वजह से हमारी मशीन, जिस कारण से हमारी मशीन बंद है, वो लैंप जो है इंडिकेट, लैंप जो ये लैंप हमारे लगे हुए हैं वो इंडिकेट करते हैं, और इस लैंप को हम रीड करना, हम जानते हैं कि इस लैंप, ये अगर हमारी लाइट जल रही है तो इसका क्या मीनिंग है, कौन सा फॉल्ट को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये लाइट जल रही है तो कौन से फॉल्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये लाइट जो हमारी इंडिकेट करती है उसके हम रीजन को जानते हैं, और हम उस रीजन के अनुसार हम मशीन पे एक्शन करते हैं। रीजन फॉर द स्टॉपेज मशीन, अंडरस्टैंड ईच सिग्नल लैंप एंड देयर पर्पज इन द मशीन। हम इस सिग्नल को, जो मशीन में जो सिग्नल है, इसके सिग्नल को हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि क्या इसका पर्पज है, और हम उसको मशीन को फिर रीजन को फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्ले पैनल जो है आजकल जो मॉडर्न हमारी मशीनें आ रही हैं, मॉडर्न मशीनों में जो है डिस्प्ले पैनल लगे हुए हैं, जो डिस्प्ले पैनल से हमारी पूरी जो है मशीन की कंट्रोलिंग होती है। मशीन के डाटा को हम देख सकते हैं, उसके क्वालिटी को देख सकते हैं, काउंट को हम देख सकते हैं कि कौन सा काउंट हमारा परफॉर्म हो रहा है। तो डिस्प्ले पैनल जो है हमें मशीन के ऑपरेशन में काफी हेल्प करता है। इट डिस्प्ले वेरियस ऑपरेटिंग मशीन पैरामीटर लाइक स्पीड। मशीन किस स्पीड से चल रही है, हम डिस्प्ले, हमारा जो स्क्रीन डिस्प्ले है वहां से हम मशीन के स्पीड को देख सकते हैं। प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, काउंट, कौन सा काउंट जो है हमारा इस मशीन पे बन रहा है, ऑफ यार्न, ये एटसेट्रा, डिफरेंट डाटा को हम मशीन के स्कोप की सेटिंग को, स्पीड को, हम तमाम पैरामीटर को इस डिस्प्ले पर यूनिट से हम कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं आसानी से। इट डिस्प्ले वेरियस ऑपरेटिंग मशीन पैरामीटर लाइक स्पीड, प्रोडक्शन, काउंट, ऑफ यार्न एटसेट्रा। अंडरस्टैंड द डिटेल इन द डिस्प्ले पैनल एंड वर्क अकॉर्डिंगली। हमें इस डिस्प्ले पैनल को हमें जो है अच्छे तरीके से डिटेल में जो है इसके अंडरस्टैंडिंग समझ रखनी चाहिए, और इसके जानकारी से हम मशीन के ऑपरेशन को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए इस रिंग फ्रेम मशीन के फंक्शन ऑपरेशन के लिए एक काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।